आजादी के बाद सीहोर जिले में स्थापित शासकीय न्याय व्यवस्था में कोरोना संक्रमण काल में कानून के क्षेत्र में एक नया नवाचार अमल में लाया जा रहा है, जिसमें रूटीन की प्रक्रिया से एकदम हटकर जिला न्यायालय में संचार साधन आधारित न्याय व्यवस्था के एक नए युग की शुरुआत हुई। इस व्यवस्था में जिला न्यायालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठकर वरिष्ठ वकीलों ने दीवानी मामले में अपनी जोरदार बहस वीडियो कॉलिंग के माध्यम से की। सीहोर के जिला न्यायालय में लॉकडाउन के दौरान वीसी के जरिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज्यवर्धन गुप्ता ने दीवानी मामले की अंतिम बहस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनी और इस बहस के बाद अपना ई फैसला मेल से दोनों पक्षकारों को प्रेषित कर दिया। दरअसल जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के आधार पर जिला न्यायालयों में दीवानी मामलों की बहस और निर्णय वीसी के जरिए किए जाने और इन निर्णय का मार्ग प्रशस्त हुआ है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश से अनुमति लेकर जब मीडिया ने जिला न्यायालय में चल रही प्रक्रिया को देखने और समझने का प्रयास किया तो अंदर के हालात रोजमर्रा की जगह एकदम जुदा जुदा नजर आए। लॉकडाउन की लंबी अवधि के बाद दीवानी मामले की ई सुनवाई इस अदालत में हुई। दोनों पक्षकार न दोनों के वकील सुने सुने विटनेस बॉक्स कोरोना कॉल की कहानी कहते दिख रहे थे। कोरोना संक्रमण के चलते पूरा कोर्ट परिसर एकदम साफ सुथरा सैनिटाइज्ड दिख रहा था। अपने डायस पर अकेले बैठे जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजवर्धन गुप्ता अपने मुंह पर मास्क और हाथों में दस्ताने पहने हुए थे और उनके सामने लगी एलईडी स्क्रीन पर तीन फ्रेम नजर आ रहे थे। पहले फ्रेम में सीनियर वकील कमर अहमद सिद्दीकी और दूसरे फ्रेम में वरिष्ठ वकील जितेंद्र व्यास बहस के लिए तैयार नजर आए। बारी बारी से दोनों ने इस दीवानी मामले की अपनी फाइनल बहस की। दोनों वकील जिला न्यायालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा जिला कोर्ट में जिला एवं सत्र न्यायाधीश से लाइव जुड़े हुए थे। इस बहस के बाद वरिष्ठ वकील कमर अहमद सिद्दीकी ने स्थानीय मीडिया से चर्चा में कहा कि यह मेरे न्यायपालिका के जीवन में यह पहला अवसर था जब हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस की है। इस मामले में दूसरे पक्षकार के एडवोकेट जितेंद्र व्यास ने कहा कि अपने जीवन में यह एकदम नया अनुभव है, जबकि हमने अपनी बहस इस तरह नवाचार के रूप में की है। भारतीय न्यूज के लिए अब्दुल रऊफ खान की रिपोर्ट। अनुभव तो बहुत अच्छा था, कम से कम इस लॉकडाउन के मामले में समय की भी बचत हुई है और पक्षकारों को भी न्याय मिलेगा कि उनकी प्रक्रिया जो कई महीनों से बंद पड़ी थी वो प्रक्रिया वापस शुरू हुई है और न्याय प्रक्रिया में भी उनका सहयोग सराहनीय है। आपने अब तक के आपके जो वकीली जीवन है उसमें ये पहला अवसर था? ये पहला अवसर था मेरा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैंने बहस करी है। तो बहुत अच्छा से बात हुई पूरी? हाँ, बड़ी अच्छी तरीके से बात हुई। क्या नाम है आपका? जितेंद्र व्यास। बहुत शानदार अनुभव रहा और सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि हम अभिभाषक गण ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूरा सहयोग दिया न्यायालय का और इस न्यायालयीन प्रक्रिया पे लोगों का विश्वास बढ़ेगा और समय का और पैसे का भी दुरुपयोग बचेगा। अच्छा, अभी तक फैसले के लिए इंतजार करना पड़ता है लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि मेल से आपको जो फैसला प्राप्त हुआ है तो ये कितना अनूठा रहा? बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है कि अब हमें फैसला देखने के लिए कोर्ट में आना पड़ता था, वो अब हम घर बैठे ही देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा अनुभव है और एक बहुत ही इजीली न्याय की प्रक्रिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमर अहमद सिद्दीकी, एडवोकेट। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।